हेलो गाइस, टैली फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टैली ने अभी कुछ दिनों पहले 15 दिसंबर को अपना एक न्यू रिलीज 6.3 लॉन्च किया था। पर दोस्तों, टैली की इस न्यू रिलीज 6.3 में कुछ प्रॉब्लम थी जीएसटी आरपोर्ट्स को लेकर, जिसमें कि कुछ एंट्रीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। जैसे कि जीटीए के केस में, जब आपका जीटीए रजिस्टर्ड और इंटरस्टेट जीटीए होता है तो उनकी एंट्रीज जीएसटी आर2 में तो शो कर रही थी, बट जीएसटी आर3 भी में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए टैली ने 26 दिसंबर को अपना एक न्यू रिलीज 6.3.1 लॉन्च किया है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। अब इस न्यू रिलीज को आप अपने सिस्टम पर कैसे अपडेट करेंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने इस न्यू रिलीज को अपडेट करने के लिए आपको अपने सिस्टम के ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर को ओपन करके आपको यहाँ टाइप करना है टैली सॉल्यूशंस। यहाँ आपको टैली सॉल्यूशंस की लिंक दिखाई देगी और यहाँ नीचे लिखा मिलेगा डाउनलोड्स। आपको इस डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करना है और फिर आपको ऐसा कुछ पेज दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा मिलेगा कि आपका जो लेटेस्ट वर्जन है, ये आपका 26 दिसंबर को रिलीज हुआ था और इसमें लिखा मिलेगा आपको, वी हैव मेड सम एनहांसमेंट्स टू फर्दर इम्प्रूव योर जीएसटी R1 एंड जीएसटी R3 भी फिलिंग एक्सपीरियंस। मतलब कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी 6.3 में, अब इसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की गई है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे, इंस्टॉल नाउ और डाउनलोड फॉर लेटर। आपको डाउनलोड फॉर लेटर पर क्लिक करना है और फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको ये इसका सेटअप आपके किस फोल्डर में सेव करना है। आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहें वहाँ सेव कर लेंगे और सेव क्लिक करके करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप अपना फोल्डर ओपन करेंगे, जहाँ पर आपने डाउनलोड किया था, सेव किया था, वो फोल्डर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपका सेटअप जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको उस पर डबल क्लिक करना है। इसको आप करेंगे यस और फिर ये आपसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, आपको उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो आप थोड़ा वेट करेंगे। आपको यहाँ डन पे क्लिक करना है और आपका ये न्यू टैली का रिलीज आपके सिस्टम पर अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद आप जब अपना टैली ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपका न्यू रिलीज 6.3.1 अपडेट हो चुका है और यहाँ नीचे आपको लिखा मिलेगा रिलीज 6.3.1। अब हम बात करेंगे जो हमारे 6.3 में जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जीटीए के केस में, जिसमें कि जब आपका जीटीए रजिस्टर्ड होता है और इंटरेस्टेड होता है तो उसकी एंट्री आपको जीएसटी R2 में तो शो कर रही थी, लेकिन जीएसटी R3 में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो अब वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, मैं आपको चेक दिखा देता हूँ। आ जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटस रिपोर्ट्स, जीएसटी और जीएसटी R2 में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो जीटी की जो हमारा रजिस्टर्ड था और इंटरस्टेट था उसकी एंट्री तो यहाँ शो हो रही थी, बट जीएसटी R3B में कुछ भी शो नहीं हो रहा था। अब आप देखेंगे आपका जीएसटी R3B में भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए इन्वर्ट सप्लाइज में यहाँ पर रजिस्टर्ड इंटरस्टेट जीटी की एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले जो एंट्रीज आप करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, टैली ने अपना न्यू रिलीज 6.3 लॉन्च करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको आगे एंट्रीज करने में प्रॉब्लम्स ना हो। अब आप इस न्यू रिलीज को अपने सिस्टम पर अपडेट कर लीजिएगा
और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।